हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस, पुराने पेपर्स के लिए या मॉक टेस्ट सीरीज के लिए आपने गाइस चैनल में आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है। तो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे अपना मॉक टेस्ट या क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए हुए हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आगे के एग्जाम के लिए, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन, एमनियोटिक फ्लूड गोल्डन कलर इंडिकेट। एमनियोटिक फ्लूड गोल्डन कलर किसको इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए आर एस इनकम्पेटेबिलिटी को, ऑप्शन बी आई यू डी इंट्रायूटराइन डेथ, ऑप्शन सी हेमरेज और ऑप्शन डी एमएस मास यानी मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। तो एमनियोटिक फ्लूड का गोल्डन कलर किसको इंडिकेट करेगा? ऑप्शन ए आरएच इनकम्पेटेबिलिटी को। अब देख लेते हैं एमनियोटिक कलर के अदर्स कलर किस किस को इंडिकेट करते हैं, कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करेंगे। तो देख लेते हैं अपन एमनियोटिक फ्लूड और उससे रिलेटेड कौन सी कंडीशन हो सकती है। जैसे एमनियोटिक फ्लूड अगर ग्रीन कलर का है तो वो किसको इंडिकेट करेगा? मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम को इंडिकेट करेगा। अगर वही गोल्डन कलर का है तो किसको इंडिकेट करेगा? आरएच इनकम्पेटेबिलिटी को इंडिकेट करेगा। अगर मेकोनियम कलर डार्क ब्राउन या टोबेको कलर का है तो वो आईयूडी इंट्रायूटराइन डेथ को इंडिकेट करेगा। अगर वही सेफ्रन कलर का है मेकोनियम तो इस किसको इंडिकेट करेगा? पोस्ट मेच्योरिटी को इंडिकेट करेगा। अगर वही एमनियोटिक फ्लूड ब्राइट रेड कलर है तो किसको इंडिकेट करेगा? हेमरेज को इंडिकेट करेगा। तो ये थे एमनियोटिक फ्लूड और उससे रिलेटेड कंडीशन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सुप्राविक्युलर टेकिकार्डिया, ऑप्शन ए डिजॉक्सिन, ऑप्शन बी नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन सी डोपामाइन, ऑप्शन डी एडिनोसिन। तो सुप्राविक्युलर टेकिकार्डिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? ऑप्शन डी एडिनोसिन इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देख लेते हैं अदर क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं। जैसे ड्रग ऑफ चॉइस इन हार्ट फेलियर में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी? डिजॉक्सिन रहेगी। अगर ड्रग ऑफ चॉइस मायोकार्डियल इंफार्क्शन में देखें तो मॉर्फिन सल्फेट रहेगी। क्या रहेगी? मॉर्फिन ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी एमआई डिजीज में। वहीं ड्रग ऑफ चॉइस किसमें? एंजाइना पेक्टोरिस में किस कौन सी रहेगी? नाइट्रोग्लिसरीन रहेगी। और कार्डियोजेनिक शॉक में कौन सी रहेगी ड्रग ऑफ चॉइस? डोपामाइन। डोपामाइन रहेगी कार्डियोजेनिक शॉक में। वहीं स्ट्रेस टेस्ट करते हैं तो उसमें कौन सी रहेगी ड्रग ऑफ चॉइस? डोबुटामाइन। कौन सी? डोबुटामाइन रहेगी। और सुप्राविक्युलर टेकिकार्डिया में कौन सी रहेगी? एडिनोसिन। कौन सी रहेगी? एडिनोसिन। और एरिथमिया डिजीज में कौन सी रहेगी? एमियोडेरोन। एमियोडेरोन रहेगी ड्रग ऑफ चॉइस। तो ये थी ड्रग ऑफ चॉइस यानी अदर क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो बन सकते हैं। अपना क्वेश्चन है, व्हाट इज नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब साइज फॉर एडल्ट? ऑप्शन ए 12 से 18, 12 से 18 फ्रेंच, ऑप्शन बी 18 से 22 फ्रेंच, ऑप्शन सी 8 से 10 फ्रेंच और ऑप्शन डी 4 से 8 फ्रेंच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 18 से 22 यानी 18 से 22 फ्रेंच होता है। नॉर्मली कितना होता है? 16 टू 22 फ्रेंच यानी 16 से 22 फ्रेंच होता है। अब ऑप्शन में 18 से 22 है तो ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखेंगे इससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कैथेटर साइज होगी, उसके अलावा इसमें अपन देंगे यूरिनरी कैथेटर साइज होगी, एनिमा कैथेटर साइज हो गई, और उसके अलावा जैसे ट्रोकियो में सक्शन कैथेटर साइज कितनी होती है एडल्ट के लिए, न्यूबॉर्न के लिए, इन्फेंट के लिए, वो सारे अपन अभी देखेंगे। तो गाइस देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कैथेटर साइज कितनी होती है एडल्ट के लिए? होती है 16 से 22 फ्रेंच एडल्ट के लिए, 16 से 22 फ्रेंच। वहीं चाइल्ड के लिए 10 से 14, 10 से 14 फ्रेंच होती है, और इन्फेंट के लिए 4 से 10 फ्रेंच होती है इसकी साइज नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की कैथेटर की। वही अगला देखते हैं इसमें और अलग, जैसे ट्रेकियोस्टोमी सक्शन कैथेटर साइज कितनी होती है यानी सक्शनिंग करते हैं तो उसकी कैथेटर की साइज कितनी होती है। जैसे एडल्ट के लिए होती है 12 से 18 फ्रेंच होती है, चाइल्ड के लिए 8 से 10 फ्रेंच होती है, और इन्फेंट के लिए 5 से 8 फ्रेंच होगी उसकी साइज। और एनिमा साइज ऑफ रेक्टल कैथेटर कितनी होती है? जैसे एडल्ट के लिए 22 फ्रेंच होगी, चिल्ड्रन के लिए 14 से 18 फ्रेंच होगी, और इन्फेंट के लिए 12 फ्रेंच यानी 12 फ्रेंच साइज होगी रेक्टल कैथेटर की साइज। वहीं यूरिनरी कैथेटराइजेशन जिसकी कैथेटर की साइज कितनी होगी एडल्ट के लिए 16 से 18 फ्रेंच, चाइल्ड के लिए 8 से 10 फ्रेंच, और इन्फेंट के लिए 5 से 8 फ्रेंच। तो ये साइज थी जैसे यूरिनरी कैथेटराइजेशन हो गई, एनीमा की हो गई, ट्रेकियोस्टोमी सक्शन की, और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की। तो इनको अपन को अच्छे से देखना है कि बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है।
तो गाइज इनको एक बार एक जगह लिख के याद कर लेना। तो अपना अगला क्वेश्चन है, विच टेरेटोजेनिक ड्रग कॉज एब्स्टीन एनोमली? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी फेनेटोइन, ऑप्शन सी थैलिडोमाइड, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ऑप्शन ए लिथियम इज द करेक्ट आंसर। यह क्या करती है, एब्स्टीन एनोमली का काम करती है, टेरेटोजेनिक का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ड्रग इन द प्रेगनेंसी। तो अब देखते हैं कौन कौन सी ड्रग और कॉन्ट्रा इंडिकेशन है या टेरेटोजेनिक है और क्या कोज करती है इन द प्रेगनेंसी टाइम। अब देख लेते हैं टेरेटोजेनिक ड्रग कौन कौन सी है। जैसे थैलिडोमाइड, ये क्या काम करती है, फाकोमीलिया, फाकोमीलिया का काम करती है, यानी सी लिम्ब, सी लिम्ब का काम करती है, टेरेटोजेनिक ड्रग है प्रेगनेंसी में। लिथियम जो कि अपन ने देख लिया था, ये क्या करेगी, इसका एब्स्टीन एनोमली का काम कर देगी। वहीं वेलपोरिक एसिड क्या करेगी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करेगी, एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और स्पाइना बिफिडा भी ये करती है। टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, डिस्क्लेरेशन ऑफ टीथ एंड बोन डिफेक्ट, ये काम करती है। वहीं स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करेगी, डीपनेस करेगी, किसमें करेगी, बच्चों में डीपनेस का काम करेगी। इसमें क्या होगा, एट क्रेनियल नर्व होती है उसको ये डैमेज करती है जिसके कारण डीपनेस होता है। वहीं फिनोटोइन ड्रग क्या करेगी, फिटल हाइडेंटियन सिंड्रोम करेगी, फिटल हाइडेंटियन सिंड्रोम करेगी। और विटामिन ए ये क्या करेगी, कार्सिनोमा इफेक्ट करेगा, क्या करेगा, कार्सिनोमा इफेक्ट का काम करेगा। अपना क्वेश्चन है, पी सूप स्टूल सीन इन, यानी पी सूप स्टूल किसमें देखा जाता है। ऑप्शन ए टाइफॉइड, ऑप्शन बी कोलेरा, ऑप्शन सी इंटोसेप्शन, ऑप्शन डी हस्प्रंग डिजीज। तो इसका करेक्ट आंसर है पी सूप किसमें देखा जाता है, ऑप्शन ए टाइफॉइड में देखा जाता है। अब देखते हैं अब नॉर्मल स्टूल अपीयरेंस और कौन सी डिजीज या कंडीशन में देखे जाते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो गाइज देख लेते हैं अपन अब नॉर्मल अपीयरेंस ऑफ स्टूल कौन कौन से हैं जो और कौन सी कंडीशन को वो इंडिकेट करते हैं। जैसे राइस वाटर स्टूल किसको इंडिकेट करेगा, कोलेरा को। वहीं पी सूप स्टूल किसको इंडिकेट करता है, टाइफॉइड डिजीज को, जो अपने क्वेश्चन में देख लिया। वहीं अगर पेंसिल टाइप स्टूल हो तो किसको इंडिकेट करता है, कार्सिनोमा ऑफ कोलोन, कोलोन के कार्सिनोमा को इंडिकेट करता है। अगर रिबन लाइक स्टूल हो तो वो किसको इंडिकेट करेगा, हर्ट्सप्रंग डिजीज एंड मेगा कोलोन को इंडिकेट करता है। अगर रेड जेली स्टूल हो तो वो इंटोसेप्शन को इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करेगा, इंटोसेप्शन को, रेड जेली स्टूल। ब्लैक टेरी स्टूल हो तो इसोफेजियल वेरिसेज को इंडिकेट करेगा, किसको करेगा, इसोफेजियल वेरिसेज को इंडिकेट करेगा ब्लैक टेरी स्टूल। तो ये क्वेश्चन थे अबनॉर्मल अपीयरेंस ऑफ स्टूल। हेलो फ्रेंड्स, तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, हाउ मच ऑक्सीजन सेचुरेशन इन ब्लू कलर इन वेंचुरी मास्क। ऑप्शन ए 24%, ऑप्शन बी 31%, ऑप्शन सी 28%, ऑप्शन डी 40%। तो इसका राइट आंसर है 24%। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कौन सी क्वेश्चन है। तो गाइज देख लेते हैं अपन वेंचुरी मास्क में फ्लो रेट और उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी रहती है। तो अपना ब्लू कलर अगर है तो उसमें कितनी रहती है फ्लो रेट, 2 लीटर पर मिनट रहती है, और ऑक्सीजन सेचुरेशन 24% यानी 24% रहेगी ऑक्सीजन सेचुरेशन। अगला कलर वाइट कलर है तो उसमें क्या होगा, 4 लीटर पर मिनट तो फ्लो रेट रहेगी और 28% उसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन रहेगी। अगर ऑरेंज कलर है तो उसमें 6 लीटर पर मिनट फ्लो रेट रहेगी और 31% इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन रहेगी। अगर येलो कलर है तो उसमें 8 लीटर पर मिनट तो फ्लो रेट रहेगी और 35% इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन रहेगी। वहीं रेड कलर है तो उसमें 10 लीटर पर मिनट तो फ्लो रेट रहेगी और 40% इसमें क्या हो रहेगी, ऑक्सीजन सेचुरेशन रहेगी। वहीं ग्रीन कलर है तो 15 लीटर पर मिनट तो इसमें फ्लो रेट रहेगी ऑक्सीजन की, वहीं ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी रहेगी, 60% ऑक्सीजन सेचुरेशन उसमें अवेलेबल रहेगी। तो ये थे वेंचुरी मास्क और उससे रिलेटेड जो भी कलर है उनमें फ्लो रेट एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी थी। अपना क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर। ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं टेम्परेचर से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। टेम्परेचर जैसे ओरल टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब ओरल टेम्परेचर लेने के लिए थर्मामीटर को कितना रखेंगे, 2 से 3 मिनट पे प्लेस रखेंगे ओरल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है एम्स में और डीएसएसबी में क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो इसको देखना है क्योंकि ये सीजीएम एग्ज़ाम और जिपमर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला,
एक्सिलरी टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है 97.6 डिग्री फेरेनहाइट, यानी एक डिग्री फेरेनहाइट कम रहता है ओरल टेम्परेचर से, और 36.4 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये कितनी देर तक, मतलब थर्मामीटर को एक्जिला में कितनी देर तक रखेंगे, 3 से 5 मिनट तक अपन एक्जिला में रखेंगे थर्मामीटर को। वहीं रेक्टल टेम्परेचर नॉर्मल कितना 98.6 डिग्री फेरेनहाइट, एक डिग्री ज़्यादा होता है किससे, ओरल टेम्परेचर से, और 2 डिग्री ज़्यादा किससे होता है, एक्जिला टेम्परेचर से। और सेल्सियस में देखें तो 37.5 डिग्री सेल्सियस होगा, थोड़ा गड़बड़ है, 37 डिग्री लिखा हुआ है, इसमें होगा 37.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और कितनी मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए होता है ये। रखते हैं इसको थर्मामीटर को रेक्टल में। तो ये था टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन, क्या क्या बन सकते हैं। रेक्टल में थोड़ा लिखा हुआ है 37.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अपना अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बीपी कप साइज इन इन्फेंट, इन्फेंट में कितनी साइज होती है बीपी कप की। ऑप्शन ए 3 and 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 5 and 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 8 and 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 and 30 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5 and 15 सेंटीमीटर, जिसमें 5 सेंटीमीटर इज द विड्थ एंड 15 सेंटीमीटर इज द लेंथ होगी। तो आप इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अपन देख लेते हैं बीपी कप साइज, जैसे न्यूबॉर्न, इन्फेंट, चाइल्ड, एडल्ट है, एडल्ट जिस थाई से ले रहे हैं बीपी, तो कितनी उसकी साइज होनी चाहिए बीपी कप की। तो न्यूबॉर्न में उसकी विड्थ तो रहेगी 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर। वहीं इन्फेंट में विड्थ कितनी रहेगी, 5 सेंटीमीटर और लेंथ 15 सेंटीमीटर, जो कि अपन ने क्वेश्चन में देख लिया था। चाइल्ड में 8 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। वहीं एडल्ट की बात करें तो 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर लेंथ रहेगी उसकी। वह एडल्ट अगर थाई से ले रहे हैं बीपी तो उसमें कितनी रहेगी, 20 सेंटीमीटर, यानी उसकी विड्थ रहेगी एंड 42 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर क्या रहेगी उसकी लेंथ रहेगी। तो अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ कैनुला कलर यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कौन से कलर का कैनुला ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज होता है। ऑप्शन ए ऑरेंज, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी पिंक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ग्रीन, जिसका साइज कितनी होती है, 18 गोज होती है इसकी साइज। तो अपन देख लेते हैं अदर्स कलर और उनकी साइज कितनी होती है कैनुला की और किसके लिए यूज होता है वो भी देख लेंगे। तो अपन देख लेते हैं जैसे कैनुला साइज एंड कलर कोडिंग क्या क्या है। जैसे 14 गोज के लिए ऑरेंज कलर कोडिंग रहती है, 16 गोज के लिए ग्रे रहती है, 18-18 गोज के लिए ग्रीन रहती है, 20 गोज के लिए पिंक रहती है, 22 गोज के लिए ब्लू रहती है, 24 गोज किस कलर कोड का रहता है, येलो कलर का। वहीं 26 गोज का क्या रहेगा, पर्पल कलर। अब जैसे 14 से 16 गोज ये इमरजेंसी में यूज किया जाता है और 18 गोज मोस्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज किया जाता है। वही 20 and 22 गोज रहता है ब्लू कलर, जो कि आईवी के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। वही 24 गोज ये येलो कलर है, जो कि चाइल्ड में मोस्टली यूज किया जाता है। तो गाइज ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में देखने के लिए गाइज सब्सक्राइब करें चैनल और प्रेस द बेल आइकन, और गाइज लाइक द वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू गाइज।